गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड CS303 यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग की थर्ड यूनिट का टॉपिक फाइल मैनेजमेंट कमांड्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ फाइल मैनेजमेंट के कमांड्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कमांड्स होती हैं जो फाइल्स को मैनेज करने में काम आती हैं, जैसे ls कमांड है, mv, rm, cp, cat और chmod कमांड। इन सभी कमांड्स को हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ और कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो फाइल मैनेजमेंट में या फाइल को एक्सेस करने में या फाइल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले है cmp कमांड। cmp के अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है कंपेयर कमांड। इसका मतलब ये है कि यूनिक्स और लिनक्स में अगर किन्हीं भी दो फाइल्स को हमें कंपेयर करना है तो हम cmp कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करती है, तो cmp कमांड क्या करती है कि जिन दो फाइल्स को कंपेयर करना है उनको बाइट कंपेयर करती है। मतलब एक फाइल की जो फर्स्ट बाइट है वो दूसरी फाइल के बाइट से कंपेयर होगी, और ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि वो दोनों फाइल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि वो दोनों फाइल्स एक जैसी हैं या नहीं हैं, सिमिलर हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर सिमिलर हैं दोनों फाइल्स तब तो हमारा कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट स्क्रीन पे और सिंपली हम प्रॉम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर दोनों फाइल्स आइडेंटिकल नहीं है, मिसमैच हो रहा है, तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा, फर्स्ट मिसमैच लोकेशन आएगी एज ए आउटपुट कि कहाँ पे कौन सी बाइट पे दोनों फाइल्स जो हैं वो मिसमैच हो रही है। तो cmp कमांड इज़ यूज्ड टू कंपेयर द टू फाइल्स बाइट बाय बाइट एंड हेल्प यू टू फाइंड वेदर टू फाइल्स आर आइडेंटिकल और नॉट। दो फाइल्स को बाइट बाय बाइट कंपेयर करेगा और ये फाइंड करेगा कि वो दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं है। इट रिपोर्ट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिसमैच टू द स्क्रीन इफ डिफरेंस इज फाउंड। अगर उन दोनों में कोई भी फाइल्स में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है, तो जिस बाइट पे वो डिफरेंट है वो बाइट हमें मतलब जो फर्स्ट लोकेशन जहाँ पे वो दोनों डिफरेंट है वो एज ए आउटपुट हमें शो होगा स्क्रीन पे। नो मैसेज डिस्प्लेज एंड सिंपली रिटर्न द प्रॉम्प्ट इफ़ द फाइल कंपेयर्ड आर आइडेंटिकल। अगर दोनों आइडेंटिकल होती हैं तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स में सबसे पहले हम कमांड का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन जो हमें देना है, और उसके बाद में फाइल वन और फाइल टू। मतलब फाइल वन क्या है, फाइल का नेम, और दूसरी फाइल का नेम जिनको हमें कंपेयर करना है, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर दो फाइल्स आइडेंटिकल नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, cmp कमांड को रन करेंगे दो फाइल्स के लिए। ठीक है, फाइल वन डॉट txt है फाइल वन का नाम, और सेकेंड फाइल जो है उसका नाम है फाइल टू डॉट txt। तो इन दोनों फाइल्स को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर। तो इसके लिए कमांड क्या होगी, cmp स्पेस फाइल वन का नाम स्पेस फाइल टू का नाम, राइट। अब लेट सपोज कि ये दोनों जो फाइल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब वो सिमिलर नहीं है, कुछ डिफरेंस है कंटेंट में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो दोनों फाइल्स का नाम आएगा, उसके बाद क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए डिफर लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद कौन सी बाइट इनकी डिफरेंस है और किस लाइन में डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लाइन टू और बाइट नंबर है वो ये डिफाइन कर रहा है कि सेकेंड लाइन के अंदर जो नाइन्थ बाइट है वो दोनों फाइल्स के अंदर क्या है, डिफरेंट है, और ये फर्स्ट ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ये दो जहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो मिला है, राइट। इससे पहले की जो बाइट्स है, इससे पहले की जो लाइन्स हैं वो सारी क्या है, सिमिलर हैं दोनों फाइल्स के अंदर। इसी तरह से अगर फाइल्स आइडेंटिकल होती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये दोनों फाइल्स का जो कंटेंट है वो सेम है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमने लिखा कंपेयर फाइल वन का नेम फाइल टू का नेम। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो गई तो इसका मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है, आउटपुट जो है वो सिंपली प्रॉम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आपको यहाँ पे डॉलर साइन या हैश साइन दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि हम प्रॉम्प्ट हो गए, राइट। तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा अगर फाइल्स आइडेंटिकल होती हैं, और अगर आइडेंटिकल नहीं होती हैं तो फर्स्ट ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे वो दोनों फाइल्स जो है वो डिफरेंट है, तो वो बाइट नंबर आएगा यहाँ पे।
अब क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम सीएमपी कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है हाइफन बी। अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंस तो मतलब डिफरिंग बाइट कौन सी है, ये तो हमें डिस्प्ले हो ही रहा है। अगर उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो बाइट क्या है जहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, इफ़ यू वांट सीएमपी डिस्प्लेस द डिफरिंग बाइट इन द आउटपुट, मतलब कि फाइल वन के अंदर क्या था और फाइल टू के अंदर क्या है जो वो डिफरेंट है। जैसे हमने यहाँ पे हाइफन बी ऑप्शन यूज़ किया है, तो अब इसका आउटपुट जो आएगा वो सबसे पहले फ़ाइल का नाम, उसके बाद क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए डिफर, कौन सी बाइट जो है 12th बाइट है, और लाइन टू के अंदर इज़ 154L 151I। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फाइल वन जो है उसके अंदर तो L लिखा हुआ है और फाइल टू जो है उसके अंदर I लिखा हुआ है लाइन सेकेंड और 12th बाइट पे, राइट। और इससे पहले की जो बाइट्स हैं वो सारी सिमिलर हैं, सारी लाइंस सिमिलर हैं। ये फर्स्ट ऐसी लोकेशन है, कौन सी लोकेशन है, वो लोकेशन तो है 12th लाइन सेकेंड, और कौन सा बाइट है मतलब क्या डिफरेंस है उन बाइट के अंदर, तो फाइल वन के अंदर एल लिखा हुआ है और फाइल टू के अंदर आई लिखा हुआ है। तो अगर हमें कंटेंट भी देखना है, मतलब वो पर्टिकुलर बाइट पे क्या कंटेंट है वो देखना है हमें, तो हम हाइफन बी को यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कुछ बाइट्स जो हैं वो स्किप हो जाएं, ठीक है, जैसे फाइल वन है और फाइल टू है, हम नहीं चाहते कि है ना स्टार्टिंग की 10 बाइट कंपेयर हो, तो उसके लिए हम ऑप्शन हाइफन आई को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन हाइफन आई हेल्प्स टू स्किप अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनिशियल बाइट्स फ्रॉम बोथ द फाइल्स, ठीक है, मतलब ये कि ये जो आई ऑप्शन है, ये जो भी हमने नंबर दिया होगा उतनी बाइट्स को, इनिशियल बाइट्स को दोनों फाइल्स के अंदर क्या कर देता है, स्किप कर देता है, और उसके बाद में कंपैरिजन स्टार्ट होता है। तो जैसे इसका मेथड क्या है, सीएमपी लिखा हमने सबसे पहले, उसके बाद में ऑप्शन लिखा हाइफन आई और फिर लिखा 10। तो इसका मतलब ये है कि फाइल वन और फाइल टू के अंदर स्टार्टिंग की इनिशियल जो 10 बाइट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी कंपैरिजन से, 11th बाइट से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि कुछ बाइट्स जैसे यहाँ पे दोनों बाइट दोनों फाइल्स में से 10 बाइट्स स्किप हो रही है, पर आप चाहते हो कि दोनों में से अलग अलग नंबर ऑफ बाइट्स को आप स्किप करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या मेथड है, ऑप्शन आई को ही यूज़ करोगे, लेकिन फर्स्ट फाइल में से जो जितनी बाइट्स आप स्किप करना चाहते हो वो लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद सेकेंड फाइल में से जितनी नंबर ऑफ बाइट्स को आप स्किप करना चाहते हो वो लिखोगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपैरिजन होगा फाइल वन और फाइल टू के अंदर, लेकिन फाइल वन की 10 बाइट्स जो है वो स्किप होने के बाद 11th बाइट से कंपैरिजन शुरू होगा, और फाइल टू जो है उसकी 12 बाइट्स को स्किप करके जो 13th बाइट है वहाँ से कंपैरिजन शुरू होगा। मतलब 11th और 13th बाइट जो हैं फाइल वन और फाइल टू की रिस्पेक्टिवली, वो कंपैरिजन होना शुरू होंगी और फिर वो एक एक बाइट बढ़ती जाएंगी, राइट। तो इस तरह से हम फाइल वन और फाइल टू में से अगर डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एल। ऑप्शन एल, जैसे अभी तक जो आप देख रहे थे कंपैरिजन सीएमपी कमांड को, तो आपने देखा कि इसका जो आउटपुट है वो हमेशा फर्स्ट लोकेशन देता है, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन देता है जहाँ पे फाइल वन और फाइल टू जो है वो डिफर कर रही हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपको सारी वो वैल्यूज़ शो हों या सारी वो बाइट्स शो हों कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है, कौन कौन सी बाइट में डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए आप ऑप्शन एल यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कमांड का नाम लिखोगे सीएमपी, उसके बाद में स्पेस देके ऑप्शन का नाम, फिर फाइल वन और फाइल टू का नाम जिन दोनों को आप कंपेयर करना चाहते हो। तो अगर फाइल वन और फाइल टू को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या है 20, 12, 56, 21, 124, 12, इस तरह का कुछ आउटपुट शो होगा, ठीक है। इस आउटपुट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, राइट। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो तो हमें ये बता रहा है कि कौन से नंबर की बाइट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, मतलब
कि फाइल वन और फाइल टू के अंदर पहली पोजीशन जो डिफरेंट है वो कौन सी है, 20th है। सेकंड पोजीशन कौन सी है, 21st है। थर्ड पोजीशन कौन सी है, 22, और फोर्थ पोजीशन 23rd। ठीक है, ये चारों जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो आपकी डिफरेंट है। अब फाइल वन के अंदर इस पर्टिकुलर बाइट पे क्या वैल्यू है, 12 है, और फाइल टू के अंदर 56 है, राइट। तो फर्स्ट कॉलम जो है आउटपुट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ डिफरिंग बाइट्स, कि कौन सी पोजीशन पे बाइट जो है वो डिफर है। सेकंड जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाइट की वैल्यू ऑफ द डिफरिंग बाइट इन द फर्स्ट फाइल, मतलब फर्स्ट फाइल के अंदर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू है। और फाइल टू के थर्ड कॉलम जो है वो बता रहा है कि फाइल टू के अंदर क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, राइट। तो अगर आपको सारी डिफर बाइट्स चाहिए कि पूरी की पूरी फाइल कंपेयर हो के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट लोकेशन चाहिए, सारी बाइट्स आपको चाहिए, तो आप ऑप्शन एल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो आपकी कंपेयर हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एन यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन एन, और उसके बाद आप लिखोगे कितनी नंबर ऑफ बाइट्स जो आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है CMP-N50 फाइल वन फाइल टू। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन एन क्या करता है, नंबर ऑफ बाइट्स जो हमें कंपेयर करनी है वो ठीक है, और जो नंबर 50 है वो ये शो करेगा कि कितनी बाइट्स को आप कंपेयर करना चाहते हो। तो फाइल वन और फाइल टू की इनिशियल बाइट, मतलब फर्स्ट बाइट से स्टार्ट होके 50 बाइट्स तक कंपैरिजन होगा, उसके आगे कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थे जो आप यूज़ कर सकते हो सीएमपी कमांड के साथ। नेक्स्ट है कॉम कमांड। कॉम जो है वो भी बेसिकली कंपेयर करने के ही काम आती है, लेकिन ये कुछ ऐसा बताती है कि कॉमन क्या है दोनों फाइल्स के अंदर। अगर दो फाइल्स को आप कंपेयर कर रहे हो तो ये कमांड उनके अंदर कॉमन बताएगी और यूनिक क्या है वो बताएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि कॉम कमांड जो है वो सिर्फ सॉर्टेड फाइल्स पे ही परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, सॉर्टेड फाइल का मतलब क्या होता है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे आप डिक्शनरी देखते हो, डिक्शनरी आपकी सॉर्टेड रहती है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए के वर्ड्स आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी, फिर डी, इस तरह से बढ़ता है। उसी तरह से ए के अंदर भी क्या होगा, पहले ए ए आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, राइट। तो कॉम कमांड जो है वो भी कंपेयर करती है टू सॉर्टेड फाइल्स को लाइन बाय लाइन। ठीक है, और आउटपुट में क्या देगी कि कौन सी लाइन कॉमन है और कौन सी लाइन यूनिक है, राइट। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले कमांड का नाम लिखोगे आप, कोई ऑप्शन यूज़ करना है तो वो ऑप्शन यूज़ करोगे, और उसके बाद फाइल वन और फाइल टू का नाम जिन्हें आपको कंपेयर करना है। एज यूजिंग कॉम वी आर ट्राइंग टू कंपेयर टू फाइल्स, देयरफॉर द सिंटैक्स ऑफ कॉम कमांड नीड्स टू फाइल नेम एज अ आर्ग्यूमेंट। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप दो फाइल्स को कंपेयर कर रहे हो, इसलिए सिंटैक्स के हम अंदर हमेशा दो फाइल्स का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक फाइल को ही कंपेयर करोगे, आप किसी भी फाइल को किसी दूसरी फाइल से ही कंपेयर करोगे, राइट। तो दो फाइल्स का नेम एज अ आर्ग्यूमेंट आएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई स्पेशल ऑप्शन यूज़ नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या आउटपुट रहता है, तो जो आउटपुट आएगा इन दोनों फाइल्स को कॉम कमांड के यूज़ करने पे, वो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो लाइंस होंगी जो यूनिक होंगी फाइल वन के अंदर। ठीक है, मतलब फाइल वन के अंदर कुछ डेटा है, फाइल टू के अंदर कुछ डेटा है, ये दोनों कंपेयर होगा। ऐसी लाइंस जो फाइल टू के अंदर नहीं है, सिर्फ फाइल वन के अंदर है, वो लाइन आएगी एज अ फर्स्ट कॉलम आउटपुट। सेकेंड कॉलम जो है उसमें वो लाइंस आएंगी जो सिर्फ यूनिक है फाइल टू के अंदर, मतलब फाइल वन के अंदर जो नहीं है वो सिर्फ फाइल टू के अंदर ऐसी लाइंस हैं, वो एज ए आउटपुट सेकंड कॉलम में आएंगी। और जो थर्ड और लास्ट कॉलम है वो ऐसी लाइंस को कंटेन करके रखता है जो फाइल वन और फाइल टू दोनों के अंदर है। ठीक है, मतलब जो फाइल वन के अंदर भी होगी और फाइल टू के अंदर भी होगी वो ऐसी लाइंस
एज ए थर्ड कॉलम हमें आउटपुट मिलेंगे, राइट। अब है कि आप क्या क्या ऑप्शंस कॉम कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस हमने यहाँ पे शो किए हैं, एक है हाइफ़न वन, सेकेंड है हाइफ़न टू, और थर्ड है हाइफ़न थ्री, फोर्थ है चेक ऑर्डर, और फिफ्थ है नो चेक ऑर्डर। अब इनका मीनिंग क्या है? अगर आप हाइफ़न वन को यूज़ करते हो तो ये सप्रेस कर देता है फर्स्ट कॉलम को, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट फाइल के अंदर यूनिक हैं वो लाइंस आपको शो होंगे। सेकेंड, अगर ऑप्शन अगर टू यूज़ करोगे आप तो ये सेकेंड कॉलम को सप्रेस कर देगा। सेकेंड कॉलम क्या है? वो लाइंस जो सेकेंड फाइल के अंदर यूनिक हैं। और अगर आप थर्ड कॉलम सॉरी ऑप्शन हाइफ़न थ्री यूज़ करते हो तो ये उन थर्ड कॉलम को सप्रेस कर देगा, मतलब कि वो लाइंस जो दोनों फाइल्स के अंदर कॉमन थी, राइट। इसी तरह से अगर आप चेक ऑर्डर ऑप्शन को यूज़ करते हो तो चेक ऑर्डर जो ऑप्शन है वो चेक करेगा कि जो इनपुट है वो करेक्टली सॉर्टेड है या नहीं है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि कॉम कमांड जो है वो उन फाइल्स पे रन होगी जो ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे, राइट। तो मान लो कि हो सकता है कि वो फाइल्स सॉर्टेड नहीं हो, तो इसलिए चेक ऑर्डर अगर हम कमांड यूज़ कर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो फाइल को चेक करेगा कि वो दोनों फाइल्स जो हैं वो जो भी इनपुट है वो करेक्टली सॉर्टेड है या नहीं है। अगर नो चेक ऑर्डर किया है तो ये इनपुट को चेक नहीं करेगा कि वेदर वो करेक्टली सॉर्टेड है या नहीं है। तो ये ऑप्शंस हैं जो हम कॉम कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ कमांड। डिफ कमांड जो है उसकी फुल फॉर्म होती है डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि दो फाइल्स जो होंगी उनको कंपेयर करेगा। देखो सीएमपी, कॉम और डिफ तीनों के अंदर एक तरह से हम फाइल्स को कंपेयर ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है। कंपेयर के अंदर हम बाइट बाय बाइट कंपेयर कर रहे थे, अगर हम कॉम की बात करें तो लाइन बाय लाइन कंपैरिजन हो रहा था, और एज ए आउटपुट इसका क्या आ रहा था कि कौन सी लाइन यूनिक है और कौन सी लाइन कॉमन है। इसी तरह से जो डिफ कमांड है उसके अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है, और जो फाइल्स होंगी वो लाइन बाय लाइन चेक होंगी। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द डिफरेंसेस इन द फाइल बाय कंपेयरिंग द फाइल लाइन बाय लाइन, कि लाइन बाय लाइन फाइल्स को कंपेयर करके जो भी डिफरेंस होगा वो डिस्प्ले किया जाएगा। Diff uses certain symbols, special symbols and instructions that are required to make two files identical. इसका मतलब ये है कि diff कमांड के अंदर कुछ special symbols को use किया जाता है, और उन symbols की help से क्या हो सकता है कि दो files जो हैं उनको identical किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये as a output हमें diff दे difference देगा, ठीक है। अब डिफरेंस कमांड के अंदर ही कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को यूज़ करके जो भी डिफरेंस आया है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और दो फाइल्स को आइडेंटिकल बना सकते हैं। इट टेल यू द इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू चेंज द फर्स्ट लाइन सॉरी फर्स्ट फाइल टू मेक इट मैच द सेकेंड फाइल। अब जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, फर्स्ट फाइल के अंदर चेंजेस होंगे ताकि वो सेकेंड फाइल से मैच हो जाए। वो स्पेशल सिंबल्स क्या होंगे, ए सी और डी। इसका मतलब ये है कि आप डिफ कमांड को यूज़ करोगे, उसके साथ आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि आप कौन सा स्पेशल सिंबल यूज़ कर रहे हो उन दोनों फाइल्स को आइडेंटिकल बनाने के लिए। मतलब अगर फाइल वन के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर कुछ और है, सेकेंड लाइन के अंदर कुछ और है, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्योंकि ये कंपैरिजन लाइन बाय लाइन हो रहा है इसलिए आपको लाइंस को मैच करवाना होगा। तो अगर आप फाइल वन के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो या इसको चेंज करना चाहते हो तो ऐड के लिए आप ए कमांड सॉरी ए सिंबल को यूज़ करोगे, चेंज के लिए सी को यूज़ करोगे और डिलीट के लिए डी को यूज़ करोगे। अब ये जो ऐड चेंज और डिलीट है ये ऑपरेशन किस पर परफॉर्म होगा, सिर्फ फाइल वन के ऊपर परफॉर्म होगा ताकि वो फाइल टू से मैच कर सके, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट कमांड्स थी जो बेसिकली कंपेयर कर रही थी दो फाइल्स के बीच में। तो इसके साथ ही आपकी फाइल मैनेजमेंट कमांड्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टरी कमांड्स को कि कौन कौन सी डायरेक्टरी कमांड्स होती हैं। थैंक यू।